नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 10 गणित। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर जो है बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यहाँ पे आकृति में आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये जो है चारों जो है इस पे बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको हम लोग को वर्ग, अगर ये वर्ग है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ए से बी की दूरी क्या है, बी से सी की दूरी क्या है, सी से डी की दूरी क्या है और डी से ए की दूरी क्या है। फिर इसके विकर्णों को भी हमको देखना पड़ेगा। यदि वर्ग होगा तो इसके चारों भुजाएं बराबर होंगी और इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को इसका निर्देशांक देखना है दोस्तों। तो ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ पे देखते हैं कि यक्ष अक्ष पे जो है 4 है, और मैंने यह बिंदु यक्स अक्ष पे 3 मिला हुआ है और वाई अक्ष पे 4 पर मिला हुआ है। तो इसका मतलब 3 4 इसका निर्देशांक हो जाएगा। इसके बाद से बी का अगर निर्देशांक देखा जाए तो यक्स अक्ष पे ये 6 पर है और वाई अक्ष पे बिंदु जो है 6 7 पर है, तो यह 6 7 हो गया। इसके बाद से सी का निर्देशांक देखा जाए तो यक्स अक्ष पे 9 पे है और वाई अक्ष पे जो है 4 से जो है मिला हुआ है, तो 9 4 इसका हो गया। और डी का निर्देशांक देखा जाए तो इसका निर्देशांक जो है 6 और 1 हो जाएगा, 6 6 और 1, यानी कि इधर से 6 और इधर से 1 पे है, तो 6 और 1 हो जाएगा इसका निर्देशांक, ठीक है। तो निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लिए। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके और इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और विकर्ण को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। तो चलिए, अब इसके लिए दोस्तों हम लोग एक टेम्पोरोरी वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। एक जो है टेम्पोरोरी वर्ग बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये टेम्पोरोरी वर्ग हो गया और इसके निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं। मान के चलिए ये आपका जो उसमें दिया हुआ है वो वाला वर्ग बन रहा है, ठीक है। इसका निर्देशांक मान लीजिए ए है, ए है, इसका शीर्ष बी है, ये सी है और ये डी है। ए का निर्देशांक देख लीजिए क्या है, तो ए का निर्देशांक 3 और 4 है। बी का निर्देशांक कितना है, तो बी का 6 और 7 है। सी का जो है कितना है, तो सी का 9 4 है, तो 9 और 4 ले लीजिए। डी का जो है 6 और 1 है, तो 6 और 1 ले लीजिए, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, ए से बी की, और इसमें विकर्ण भी बनेगा तो विकर्ण भी ले लीजिए, ए सी और बी डी, बी डी विकर्ण भी रहेगा, ठीक है। सब देखना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं है। सब अगर विकर्ण भी बराबर है, चारों भुजाएं भी बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि यह एक आकृति जो है क्या है, वर्ग है। तो हम लोग सबसे पहले दूरी सूत्र से यहाँ पे लिख देंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो है क्या करेंगे, दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम लोग। दूरी सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं ए बी, दूरी सूत्र क्या है, तो डी बराबर होता है अंडर रूट में x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 का होल ऑफ स्क्वायर। दोस्तों ये दोनों तरीके से यूज किया जाता है ये सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, और x1 - x2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, y1 - y2 का भी होल ऑफ स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। इसका जो है फंडा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है ना, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसी सूत्र का यूज करते हुए ए बी की दूरी निकालेंगे। तो देखिए ए बी की दूरी निकालते हैं हम लोग, तो इसका फंडा यही है कि x1 - x2 का मतलब ए बी है ना,
तो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो पहला में से दूसरा घटा देना है, पहला में से दूसरा घटा देना है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट अब लिखते हैं, 3 में से 6 घटा का वर्ग, 3 माइनस 6 घटा का वर्ग, प्लस में 4 माइनस 7 का वर्ग, 4 माइनस 7 का वर्ग, ठीक है। इसीलिए हम इस सूत्र का यूज करते हैं, सीधा पड़ता है, आराम से इसमें से इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। अब बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 3 का वर्ग, प्लस में 4 में 7 नहीं घटेगा, 7 में 4 घटाएंगे, माइनस में 3 का वर्ग लिख देंगे, बराबर ये हो जाएगा 3 तरीके 9, अब प्लस में 3 तरीके 9 बराबर अंडर रूट में 18, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 18। अंडर रूट में 18 को लिख सकते हैं हम लोग कौन सी, अंडर रूट में 3 अगुणे 3 अगुणे 2 हो जाएगा, 3 तरीके 9 दूना 18, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ठीक है। ये 3 अंडर 2 यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, ए बी बराबर हो गया 3 अंडर रूट 2। अब हम लोग जो निकालते हैं बी सी को, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी में देखिए बी सी ये पहले है, ये दूसरा नंबर पर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मैंने इसको 6 में से 9 घटा देंगे, 7 में से 4 घटा के वर्ग कर लेंगे, नहीं समझे, मैंने बी सी है तो मैंने बी और सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसमें और इसमें देखा जाए तो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर मैंने बी सी, तो जो पहले है बी पहले है, सी बाद में है, तो इसको यहीं पे अगर इन्हीं दो बिंदुओं को देखा जाए तो ये पहला है ये दूसरा है, तो इसमें से इसको घटा लेना है, यानी कि 6 में से 9 घटा के इसका वर्ग कर लेना है, प्लस में दूरी सूत्र के यूज से ही, तो दूरी का सूत्र का यही फंडा है। तो अब 7 में से जो 4 घटा लेंगे, 7 में से 4 घटा देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि -3 का वर्ग होगा, प्लस में जो देखते हैं कि 7 में से 4 घटेगा तो 3 का वर्ग होगा, बराबर ये भी जो है 9 प्लस 9 होगा, बराबर ये भी 18 होगा, बराबर ये भी लिख सकते हैं हम लोग 3 अंडर रूट 2, ठीक है, क्योंकि ये 18 आया था तो 3 अंडर रूट 2 है, तो ये भी 3 अंडर रूट 2 होगा, यानी कि बी सी बराबर हो गया। अब बी सी के बाद से हम लोग जो है सी डी को देख लेते हैं, तो सी डी को देखते हैं तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा तो सी है डी है, यानी कि यह जो है अब इन दोनों में बिंदुओं को देखा जाए तो यह पहले है ये बाद में है, तो 9 में से जो 6 घटा के लिख दीजिए और 4 में से 1 घटा के आप वर्ग कर दीजिए, तो 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 घटा वर्ग, आप प्लस में जो है 4 में से 1 घटा देंगे, 4 में से 1 का वर्ग, याद रखिएगा इसमें से इसको घटा के लिख रहे हैं तो इसमें से इसको घटा के ही लिखिएगा, ठीक है, और नहीं तो 6 में से 9 घटा के लिख रहे हैं तो 1 में से 4 घटा के लिखिएगा, ठीक है, माने इधर से रख रहे हैं तो इधर से ही दोनों में रखिएगा, इधर से रख रहे हैं तो इधर से ही घटाइएगा, ठीक है बस। और यहाँ पे देखिए तो सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए 9 में से 6 घट जाएगा तो 3 3 का वर्ग, और धन में 4 में से 1 घटेगा, 3 3 का वर्ग, बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 9 और प्लस में 9 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 18 बराबर क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये भी 3 अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। अब डी ए देख लेते हैं, डी ए देखिए चाहे डी देखिए, तो डी ए देख लेते हैं, इसी क्रम में चलते हैं हम लोग, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, डी है ए है, यानी कि 6 में से 3 घटा के लिख देना है, तो 6 में से 3 अब हम डायरेक्ट घटा के लिख दे रहे हैं, 6 में से 3 जा 3, तो 3 का वर्ग कर लीजिए डायरेक्ट, 1 में से 4 घटाइए तो 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में 3 का वर्ग होगा, माइनस में 3 का वर्ग हो जाएगा, बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 3 तरीके 9 आधन 3 तरीके 9 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये हो 9 9 18 होगा, 18 का मतलब जो है 3 अंडर रूट 2, ये भी 3 अंडर रूट 2 हो गया, हो गया। अब हम लोग जो है डी बी निकाल लेते हैं, डी बी बिकर्ण, अब बिकर्ण निकाल लेते हैं, बिकर्ण बिकर्ण निकालते हैं डी बी, तो डी बी बिकर्ण का लंबाई अगर निकालें तो डी बी के देखिए डी बी इधर से निकाल रहे हैं ना, मैंने पहले डी लिखे हैं और तो उसके बाद से बी लिख रहे हैं, तो डी बी का मतलब कि इसमें से इसको घटा के लिख देंगे, इसमें से इसको घटा के लिख देंगे,
तो 6 में से 6 घटाएंगे, इसका वर्ग करेंगे धन में, 1 में से 7 घटा के वर्ग करेंगे, तो 1 में से 7 घटा दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 में से 6 जा 0 और 7 में से 1 जा 6, तो 6 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 6, 6 का 36 बराबर हो जाएगा, चाहे अंडर रूट में वर्ग है तो वर्ग से रूट हट जाता है, ठीक है? यहाँ 36 है तो 36 का मतलब 6 गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6, तो ये हो गया 6। इसी तरह से AC निकाल दीजिए, तो AC बराबर, इसी तरह से AC निकालिए तो AC बराबर क्या हो जाएगा? अब AC देखिए, ये नहीं है AC, AC ले रहे हैं तो इसमें से इसको घटा, मतलब A पहले लिख रहा है तो पहले A और ये जो है C हो गया, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो A में से C घटाएंगे, यानी कि 3 में से 9 घटा के लिख देंगे, तो 3 माइनस 9 आ इसका वर्ग कर देंगे, धन में 4 में से 4 घटा के लिख देंगे, तो 4 माइनस 4 आ इसका वर्ग कर देंगे बराबर। अब देखते हैं कि 3 में से 9 में से 3 जा 6, 6 का वर्ग होगा माइनस में 6 का वर्ग होगा, और 4 में 4 जा 0 हो जाएगा, तो 0 रहेगा बराबर क्या हो जाएगा? 6 6 क्या, अब भाई माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा, और 36 का मतलब 6 गुणे 6 हो जाएगा, अब बराबर ये भी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इसका विकर्ण भी बराबर आ रहा है और चारों भुजाएं भी बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भुजा भुजा ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी भुजा बराबर है सी डी के, और सी डी भुजा बराबर है डी ए के, सी डी भुजा डी ए के बराबर है, और ये कितना है? तो ये जो है 3√2 के बराबर, ठीक है? और विकर्ण में देखा जाए, विकर्ण में तो विकर्ण भी जो है क्या है, ए सी विकर्ण जो है बराबर है किसके? बी डी विकर्ण के, बी डी कहिए चाहे डी बी कहिए, तो डी बी लिया गया है तो डी बी ए कहिए, डी बी है तो डी बी कहिए, ये भी बराबर है, और कितना है? 6 है, ठीक है? तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो वास्तव में यह क्या है? वर्ग है, अतः यह जो है क्या है? वर्ग है, अतः ए बी सी डी एक जो है क्या है? वर्ग है, एक जो है वर्ग है। तो आई होप दोस्तों यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि इसको कैसे देखेंगे कि यह एक वर्ग है, यानी कि यह जो है क्या करे, चमेली इससे सहमत नहीं है, और कौन बताई है? चंपा, तो चंपा सही कह रही है, इसका मतलब कि चंपा सही कह रही है, चंपा सही कह रही है, चंपा सही है कि यह एक जो है वर्ग ही है, ठीक है दोस्तों? तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।